हेलो एवरीवन, दिस शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हम इंश्योरेंस रिस्क, बीमा, जोखिम दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। तो रिस्क बात करें इंश्योरेंस के अंदर की, रिस्क क्या होता है इंश्योरेंस में, बीमा में जोखिम का मतलब क्या है कि ऐसे ही भाई इवेंट जो कैसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट, भाई आपको नहीं पता कि इन फ्यूचर आपके साथ क्या होगा, ठीक है। तो उनकी पॉसिबिलिटी या फिर होने की जो संभावना है कि भाई क्या हो सकता है कि आपकी जान जा सकती है या कोई भी डैमेज हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी का, ठीक है। उसके लिए क्या होता है यहाँ पे जो इंश्योरर है उसके हिसाब से, भाई जो भी आपने इंश्योरेंस कराया है भाई आपको रिस्क है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है, प्रीमियम पे करना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को। भाई जितना ज़्यादा रिस्क रहेगा उतना ज़्यादा आपका प्रीमियम होगा, ठीक है। तो उस इवेंट के होने की कितनी संभावना है और उसका कितना इम्पैक्ट होगा, भाई जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको उसका भुगतान भी तो करना पड़ेगा। आप प्रीमियम दे रहे हो भाई, आप भी भुगतान कर रहे हो इंश्योरेंस कंपनी को, लेकिन अगर आपके साथ वो संभावना वो जो घटना घटित हो जाती है, ठीक है, इन फ्यूचर भाई जिसके लिए आपने इंश्योरेंस कराया है, तो उसके बदले में जो बीमा कंपनी है वो आपको क्या करेगी, पे करेगी, ठीक है। तो रिस्क जो है भाई वो कोई भी इवेंट या हैपनिंग हो सकती है जिसका कोई प्लान नहीं है, भाई जो समस्या है वो बता के तो नहीं आती ना, एकदम से हो जाती है, वो कुछ भी हो सकता है भाई आपकी लाइफ का या फाइनेंशियल लॉस कुछ भी हो सकता है एक पर्सन को, और वो प्रेडिक्टेबल नहीं है कि आप पर बता नहीं सकते कि वो संभावना भाई उसके भविष्य में होने के चांसेस है, ठीक है। तो रिस्क इंश्योरेंस में या रिस्क इंश्योरेंस में बताएं, जो इंश्योरर होता है वो असेस करता है इस पॉलिसी जो भी पॉलिसी होल्डर ने ली है कि भाई वो सम ऑफ मनी जो है उनको पे करे, ठीक है। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है जो भी कवर्ड की गई है उनको कंपनसेट करने के लिए कि जो उनको लॉस सफर्ड होगा, भाई जो भी पॉलिसी होल्डर है अगर आपको भविष्य में ये जो है आपको इस ये लॉस होता है, भाई आपने लाइफ इंश्योरेंस कराया है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस कराया है या हेल्थ इंश्योरेंस कराया है, उसके अगेंस्ट आपको जो है प्रीमियम देना है। और अगर आपके साथ एक जो है घटना घटित हो जाती है भविष्य में तो इंश्योरेंस कंपनी आपको वो जो भी है कवर्ड करेगी उसमें, ठीक है। तो टाइप्स किसके देखें, प्योर रिस्क जो होता है इसमें भाई क्या होता है कि पर्सन का यहाँ पे विल लीड टू लॉस ऑफ द पर्सन ओनली और मैक्सिमम, ठीक है। क्योंकि या तो जो भी कंडीशन है यहाँ पे क्या होगा, अभी बात करें प्योर रिस्क में कि यहाँ पे प्योर रिस्क में जो है पॉसिबिलिटी रहती है डैमेज टू द हाउस ड्यू टू नेचुरल क्लाइमिटी, कि आपका इसका में कोई रोल नहीं है, आप वो किसी आर्थिक हम यहाँ बोले आप प्राकृतिक आपदा की वजह से जो है आपका आपका नुकसान हो गया है, तो इसमें आपका जो पूरा हाउस है वो डैमेज हो गया है, हाउस होल्ड आइटम सब चीज़ जो है इफेक्ट हो गई है, ठीक है। तो इसमें नेचुरल क्लाइमिटी में क्या है, एनी प्रॉफिट भाई यहाँ ना तो आपको प्रॉफिट होगा, कोई आपको जो है कि भाई आपका कोई सामान चला गया और आपने भाई आपको कोई प्रॉफिट हुआ, आपने इंश्योरेंस कराया है, तो ये प्योर रिस्क होता है, ठीक है। और ये रिस्क इंश्योरेबल होते हैं, यहाँ पे जोखिमों का जो है बीमा किया जा सकता है। भाई यहाँ पे भाई कई जगह ऐसे हैं बहुत ज़्यादा जो भूस्खलन आते हैं, ठीक है, जो अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, कई देश ऐसे हैं जहाँ पे अर्थक्वेक आने की ज़्यादा संभावना, वहाँ पे लोग कराते हैं ये, ठीक है। तो नेचुरल क्लाइमेट में अगर आपका सब चीज़ नुकसान हो गया है, ठीक है, और उसके बदले में आपको जो है इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है, तो ना आपको जो इंश्योरेंस से जो पैसा मिलेगा आपको ना उसमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है क्योंकि आपका सब चीज़ चला गया है, ठीक है। फिर आता है स्पेकुलेटिव रिस्क, तो ये इसमें कोई हम बात करें कि जहाँ पे डायरेक्शन नहीं होती, आउटकम की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसमें आपको इस कंडीशन में आपको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, ब्रेक इवन मतलब लॉस प्रॉफिट कुछ भी नहीं, ना लॉस ना कोई प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो रिस्क यहाँ पे ये जो रिस्क हैं वो नॉट हम जनरली बात करें इंश्योरेबल नहीं होते। स्पेकुलेटिव रिस्क में अगर हम बात करें सट्टा जोखिम में कि आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, तो इसमें कोई जो है ये इंश्योरेबल नहीं होते। जैसे प्राइस हैं शेयर के वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, भाई अप डाउन हो सकते हैं, आपको यहाँ नुकसान भी हो सकता है, आपको फ़ायदा भी हो सकता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, भाई आपने जितने का खरीदा था उतने का ही बेका है, ठीक है। तो ये सारे किसके अंदर आता है, स्पेकुलेटिव रिस्क के अंदर आते हैं। फिर आता है हमारा फाइनेंशियल रिस्क, इसके अंदर कौन से इवेंट आते हैं जो हम मनी के टर्म्स में मिजरेबल कर सकते हैं, ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू में हम मिजर कर सकते हैं, जैसे लॉस ऑफ गुड्स, कंपनी का कोई सामान भाई जो भी गुड्स है फायर की वजह से जो है जल गया है, ख़त्म हो गया है, ठीक है, तो ये इंश्योरेबल होते हैं, ठीक है। फिर आता है नॉन फाइनेंशियल, तो इसके अंदर वो इवेंट जो मिजरेबल नहीं होते मनी के अंदर, जिसको भाई आप कंसर्न हैं यहाँ पे, भाई नॉन फाइनेंशियल रिस्क, भाई रिस्क ऑफ पुअर सिलेक्शन ऑफ द ब्रांड वाइल परचेजिंग मोबाइल फ़ोन, ठीक है, इसको आप मॉनेटरी टर्म में नहीं कर सकते हैं कि आपने कोई मोबाइल फ़ोन खरीदते समय ब्रांड के गलत चयन का जोखिम कर लिया है, आपने जो ब्रांड चुनी वो गलत चूज़ कर लिया है, ठीक है। तो ये जो रिस्क है अन इंश्योरेबल है क्योंकि आप इसको मॉनेटरी टर्म में मीज़र नहीं कर सकते, भाई ब्रांड को तो मीज़र नहीं कर सकते ना,
फिर आता है फंडामेंटल रिस्क, तो इसमें जब आपके कोई कंट्रोल नहीं होता किसी पर्सन का ऐसा रिस्क, तो ये इम्पैक्ट हो सकता है, यहाँ पे भाई इफेक्ट हो सकता है भाई, ये जो रिस्क है ये लार्ज पॉपुलेशन को इफेक्ट कर सकता है, जैसे कोई भी नेचुरल क्लाइमिटी आ जाए, कोई भी इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाए, रिसेशन आ जाए, तो ये इंश्योरेबल होते हैं। तो ये फंडामेंटल रिस्क था, तो यहाँ ये टॉपिक खत्म होता है। अब आपको क्लियर हो गया, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक इट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।